ओम शांति। आज 1 मार्च 2023 है और इस मार्च के महीने में बाबा हमें अपने जमा का खाता और बचत की स्कीम बनाने के लिए इशारे दे रहे हैं। हर रोज बाबा के अव्यक्त महावाक्यों से हम जमा की एक पॉइंट सुनेंगे और उससे संबंधित बाबा के अव्यक्त इशारे भी हम समझेंगे। तो आज की विशेष पॉइंट है कि यह संगम युग विशेष धर्माऊ बैंक में जमा करने का युग है। तो आज जानते हैं क्या है इससे संबंधित बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा होती है, ऐसे वाचा और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को भी जमा करने की स्कीम बनाओ। बोल में जमा करने का साधन है कम बोलो और मीठा बोलो, स्वमान से बोलो। ऐसे ही कर्मणा सेवा में जमा का खाता तब बढ़ता है जब कोई भी कर्म योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर करते हो। जैसे दुनिया के अंदर मार्च का महीना माना जाता है कि अपने सारे अकाउंट सेटल कर लो, अपने सारे बही खाते जो हैं उनको सेट करके उनको हम बैलेंस कर लें, बैलेंस शीट जमा करने का भी ये महीना माना जाता है। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि ये पूरे कल्प का अब अंत है। अंत में बाबा ने संगम युग पर हम बच्चों के लिए विशेष एक ऐसी ईश्वरीय बैंक खोली है जिसमें हम अपना सब कुछ जमा कर सकते हैं, अपना मन, अपने बोल और अपने कर्म। और जितना जितना हम इसमें बला जमा करते हैं उतना उतना पूरा कल्प हमें इसी बैंक से मिलता रहता है। तो ये जमा करना ही पूरे कल्प के लिए सेविंग्स करना है, बचत करना है। और इसमें विशेष बाबा ने कहा है कि हमें अपने मन से जमा करना है, अर्थात संकल्प शक्ति को कंजर्व करना है। दुनिया में भी जब कोई चीज़ ज़्यादा वेस्ट हो जाती है तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं, और वेस्टेज को रोकना अपने आप जमा करने के बराबर माना जाता है। ऐसे ही आज बाबा ने हमें मनसा शक्ति संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए साइलेंस का इशारा दिया है। जितना जितना हम साइलेंस में बैठेंगे अपने ही अंदर स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे, अंदर ही अंदर व्यर्थ को खत्म कर सकते हैं। और ये व्यर्थ को खत्म करना ही समर्थ संकल्प के लिए संकल्प शक्ति जमा करना है। इसके साथ साथ हमारे बोल साधारण होने चाहिए या हमारे बोल महावाक्य की तरह लगने चाहिए? हमारे बोल महावाक्य तब लगेंगे जब केवल जरूरत पड़ने पर ज्ञान युक्त और कम और धीरे बोल हमारे होंगे। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हर समय बोलता रहता है दुनिया में भी उसे अच्छा नहीं मानते। कहा भी जाता है, वाइज मैन स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग टू से एंड फूल स्पीक because they have to say something। ऐसे ही कर्मणा शक्ति को जमा करने के लिए भी बाबा इशारा दे रहे हैं। कर्म की शक्ति तब जमा होगी जब हमसे कोई व्यर्थ कर्म ना हो, और व्यर्थ कर्म ना हो इसके लिए हर समय हम जब योग युक्त स्थिति में रहेंगे तो कर्म को करने की सही युक्ति अर्थात राइट मेथड हमारी बुद्धि में टच होगा। ऐसे कर्म ना हो जो हमें कर्म कूटने पड़े, कर्म करके फिर हम पछताएं, क्योंकि कर्म में आने के बाद में या कोई चीज़ वाचा में आने के बाद में फिर उसको वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए पहले ही बाबा ने हमें इशारा दिया, योग युक्त स्थिति में रहेंगे तो सही कर्म की युक्ति आएगी और युक्ति युक्त कर्म होंगे। यही मनसा वाचा और कर्मणा की बचत की स्कीम है। ओम शांति।